नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैसे बिस क्लास। तो ये वर्कशीट आ चुकी है 89/15/2022। किसी सरकारी विद्यालय में प्री बोर्ड परीक्षा के बाद बालिकाओं के लिए थ्रो बॉल की अंतर विद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बालक काफी हलकट थे, वो कहीं और चले गए। बालिकाओं के लिए आयोजित कराया गया। थ्रो बॉल की टीम इसके लिए बहुत उत्साहित थी। टीम की कप्तान नेहा ने टीम के सभी सदस्यों को मैदान में एकत्रित होने के लिए कह दिया। केवल तीन लड़कियां अंजलि, श्वेता और रश्मि आई। बाकी सदस्य से ठस्सा देके चले गए, मतलब नहीं आए। वाजिबा, बस खेलने के नाम पे भी बस तीन ही बच्चे आए। अंजलि तो कैप्टन थी, उसको लेके चार। वाह क्या बच्चे हैं। अंजलि ने मैदान में 5 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाया। केंद्र ए अंजलि का स्थान था। नेहा ने केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर एक बिंदु एन को बहुत स्थान चुना अपना स्थान चुना। बिंदु एन से अपने वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं एनएस और एनआर बनाई और श्वेता और रश्मि को बिंदु एस और आर पर स्थान दिया। श्वेता ने नेहा को गेंद फेंकी और नेहा ने रश्मि को, रश्मि ने अंजलि को और अंजलि ने श्वेता को। इसी प्रकार से वो खेलते रहे। श्वेता ने रश्मि को और रश्मि को अंजलि, अंजलि से नेहा से आर से रश्मि, रश्मि से अंजलि। इसी प्रकार से फेंकते रहे और ये 5 मीटर यहाँ दिया गया है। ये 5 है, ये है आपका 13, ठीक है। और इसी हिसाब से फिर ये कितना हो जाएगा, आपका होना चाहिए 12 44, 5 25 44 करेंगे तो 13 का स्क्वायर आ जाएगा ना। तो वैसे दिया नहीं गया है, 12 आपको निकालना पड़ेगा। आप देखते हैं क्वेश्चन पूछ क्या है और केस स्टडी आधारित प्रश्न है, याद रखना है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से प्रश्न आपके पेपर में आएंगे और जरूर आएंगे, ठीक है। तो प्रश्न एक है, श्वेता और नेहा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। श्वेता और नेहा के बीच की दूरी 12 है, जिसको आपको निकालना और लगाना पड़ेगा। वर्कशीट 89। अब यहाँ से देख रहे हो ना, मैंने गोला बनाया लेकिन इन गोले भैया हमारा जो प्रकाल था यहाँ रखने के बाद फिर यहाँ से रख गया, वो अच्छे से बन नहीं पाया। इसी वजह से आप लोगों को कहा जाता है कि पेंसिल बताएं। और ये अंत के 4-5 पेज बच गया, जिस वजह से ये थोड़ा सा हिल रहा था और ये गड़बड़ हो गया। फिर हमने दूसरा गोला बनाया। अरे नहीं, गोला और वृत्त में तो अंतर होता है, वृत्त बोलना पड़ेगा। वृत्त बनाया 5 सेंटीमीटर का और 13 का यहाँ पे एन से लंबाई थी, तो आपको एन एस या एस एन बताना था। एस एन बराबर क्वेश्चन मार्क, एस ए बराबर 5 और एन एन बराबर 3। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे आराम से। तो एन ए का स्क्वायर एस ए का स्क्वायर प्लस एस एन का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 5 स्क्वायर एस एन का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 5 स्क्वायर 25, एस एन का एस एन का स्क्वायर मतलब 25 इधर आएगा, 25 घटा देंगे 179 में से, 179 कह रहा हूँ 169 में से 25 घटा देंगे तो 144 आ जाएगा। 144 जो 12 का स्क्वायर होता है या एन स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर को काट देंगे और एस एन बराबर 12 मीटर और 12 मीटर आपका हो जाएगा ये आंसर जो कि हमने निकाल लिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। श्वेता से शुरू होकर वापिस आने तक एक चक्कर में गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। श्वेता ने गेंद फेंकी, फिर नेहा ने रश्मि को, रश्मि ने अंजलि को, अंजलि ने फिर श्वेता को, फिर कितना समय लगा, परिमाप निकालना था, ठीक है। अब इस प्रकार से मैं चतुर्भुज कहा था, फिर बाद में पता चले तो पंचभुज है, 1 2 3 4, वे तो चतुर्भुज था, मैंने काट दिया बाद में, ठीक है। चतुर्भुज बन रहा था लेकिन मैंने काट दिया, लेकिन डायरेक्ट कोई नहीं, डायरेक्ट लिख लेते हैं। इस प्रकार एस एन प्लस एन आर प्लस आर एस प्लस ए एस, या लिख सकते थे चतुर्भुज एस एन आर एस का, नहीं एस एन आर चतुर्भुज कौन जाए, यहां से लेंगे चतुर्भुज एस एन आर ए का परिमाप, इस प्रकार से लगा सकते थे। और यहाँ पे हमने लगा ही रखा है एस एन बराबर एन आर, एस ए बराबर आर ए। वृत्त के स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती हैं, तो यहाँ 12 का 12 और 5 वाला 5, 12 12 24, 5 5 10 और 10 और 24 34 और 34 मीटर आपको हो जाएगा इस प्रकार से आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 काफी सिंपल था, ये स्टडी काफी आसान थी। इससे जो पिछले वाली जो हमने स्टडी लगाई थी ना, वो थोड़ी सी
हाँ लगाने लायक थी। क्वेश्चन नंबर आ गया, क्वेश्चन नंबर तीसरा, एंगल एस एन आर थीटा, ठीक है, हो तो एन एस एन ए एस क्या कीजिए, एस एन आर थीटा, ये पूरा अगर थीटा है तो आपको एस एन ए एस एन ए एस ये बताना है। ये तो 90 हो जाएगा, दोनों थीटा है तो ये हो जाएगा थीटा बटे दो, 90, थीटा में से 180 में से इसको दोनों को जोड़ घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ये थीटा बटे दो क्या हो, क्यों, कैसे होगा, ये बताना जरूरी है। डायरेक्ट तो आंसर तो है नहीं कि आंसर लिख देंगे, तो चलिए पहले थीटा बटे दो निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीन, तो पहले त्रिभुज एस ए एस एन तथा ट्रायंगल ए आर एन में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 90, तो क्योंकि कोण बराबर होते हैं, ये उभयनिष्ठ भुजा थी और ये एक ही वृत्त की त्रिज्या थी, दोनों तो आपस बराबर हैं, तो सर्वांगता सेम साइड एंगल साइड से, ठीक है, ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे, इसलिए एस एन ए और एंगल आर एन ए, कहने का मतलब ये एंगल आपस में बराबर है, अगर ये थीटा है तो ये थीटा बटे दो हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आगे कैसे लिखा है मैंने, इसलिए एंगल एस एन आर बराबर थीटा, एस एन आर को एस एन ए प्लस आर एन ए लिख सकता हूँ, एस एन ए को एस एन ए, आर एन ए, आर एन ए को एस एन ए लिख सकता हूँ बराबर थीटा, दोनों को जोड़ो 2 SNA बराबर थीटा, एस एन ए बराबर थीटा बटे दो, समीकरण एक मान लिया, ठीक है। अब इसको हमें जो क्वेश्चन में निकालना था एन ए एस, तो समकोण त्रिभुज ए एस एन में एंगल एस एन ए प्लस एंगल एन ए एस प्लस एंगल ए एस एन बराबर 180, त्रिभुज के अंतः कोणों को जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, ये थीटा बटे दो हो जाएगा, एन ए एस प्लस 90 बराबर 180, दोनों को धर ले जाएंगे दोनों माइनस हो जाएंगे, 180 में से 90 काटेंगे 90, 90 माइनस थीटा, या आप इतना भी आंसर लगा सकते हैं, नहीं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 माइनस थीटा अपॉन में 2, ये भी आंसर हो सकता है, चाहे तक यहां तक लगाएं चाहे तक यहां तक लगाएं, दोनों बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पे ये सवाल समाप्त हो जाता है, केस स्टडी वाला आपका क्वेश्चन समाप्त। अगर आपको क्वेश्चन मैच कराऊं तो ये देखो 12/3/2020 का था, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 दो नंबर का है, ए बी सी डी स्पर्श रेखाएं हैं, तो ए बी बराबर 6, ए बी बराबर 6, बी सी बराबर 7, बी सी बराबर 7, तो सी डी बराबर, तो ए डी की लंबाई, ए डी की लंबाई बतानी है, तो स्पर्श रेखाएं आपस में बता के इसको बताना है, उस प्रकार सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद दूसरा सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड का ही है, ठीक है, तो बोर्ड में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपका बुनियादी का था, ठीक है। और स्टैंडर्ड वाला देखें तो ये आपका स्टैंडर्ड का है, ठीक है, स्टैंडर्ड में देखें तो किस प्रकार से ये पूछा गया था, अगर ठीक है समांतर श्रेणी वाला पूछा गया है, ठीक है, लो इस वाले चैप्टर में से इन्होंने पूछा ही नहीं है, ठीक है, ठीक है, त्रिज्यखंड की लंबाई वगैरह इन्होंने माप ली है, समांतर श्रेणी वाला तो उन्होंने दिखाई दिया था, ठीक है, उस प्रकार क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ठीक है, ये राइक, ठीक है, इस पर से रेखाएं हैं, तो सिद्ध करना ये वाला, ठीक है, उसी से मिलता जुलता है, ये जल्दी से वर्कशीट खत्म करें तब तो ये कराना शुरू करें, ये वर्कशीट दिए जा रहे हैं, कहाँ से शुरू कराएंगे, मैं क्वेश्चन दिखा दूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, या तो अपने ट्यूशन या स्कूल में जाके पूछें और सॉल्व करना शुरू करते हैं, मैं सभी क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।